अगर आप शिवसेना का जिक्र करें उद्धव ठाकरे के लिए, तो उनकी हाथ से कुर्सी तो चली गई है, और अगर शिवसेना पार्टी भी चली जाती है तो फिर बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। आने वाले इलेक्शन में अगर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का हक अपने नहीं लिया तो उनकी सरकार भी चली जाएगी, ये तो आप पक्का लिख के रख लो। क्या पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा तो एकनाथ शिंदे का ही भारी है, क्योंकि नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के बीच में सियासी संग्राम लगातार जारी है, और देखिए शिवसेना को लेकर दोनों ही गुटों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना को लेकर कार्रवाई हुई। इससे पहले अगर हम कार्रवाई की बात करें तो 23 अगस्त को हुई थी और आज यानी कि 7 सितंबर को हुई है, और अगली कार्रवाई होनी है 27 सितंबर को, यानी कि 27 सितंबर अहम दिन माना जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट के लिए और एकनाथ शिंदे गुट के लिए। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या एकनाथ शिंदे गुट का दावा अच्छा है या फिर उद्धव ठाकरे के दावे में दम है। तो ऐसे में तमाम बहुत सारे सवाल है जो मैं आज अपने साथियों से पूछने वाली हूं, और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी महाराष्ट्र दौरा था, और उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ असली शिवसेना है, यानी कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने असली शिवसेना कहा। अब आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगी आसिफ के पास। आसिफ, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे इन दोनों में से किसके दावे में दम है? देखिए, जहाँ तक मेरा सब एकनाथ शिंदे का अगर जिक्र करते हैं, और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे दोनों का मामला हालांकि कोर्ट में फंसा हुआ है, तो देखिए मुझे जहाँ तक हक की बात है कि किसके हक में फैसला आ सकता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि देखिए शिवसेना के अध्यक्ष भी रहे उद्धव ठाकरे, उनको विरासत में भी मिला है, और बाला साहब ठाकरे के जो मेन जागीर हैं वो कौन है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक एकनाथ शिंदे हैं, देखिए अगर उनके टाइटल से भी देखेंगे, ठाकरे परिवार पर भी आप जाएंगे तो वो उस खेमे में नहीं आते हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले इस तरह से खैर बोलना ठीक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जहाँ तक कि वो अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं, तो मुझे इस बेस पे ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उम्मीद ये है कि उद्धव ठाकरे के हक में फैसला आएंगे, लेकिन फिर भी कोर्ट का इंतज़ार करना होगा कि किसके हक में आएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि फैसले जो है अगर एकनाथ शिंदे के हक में नहीं आते तो परेशानियाँ क्या बढ़ सकती हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि देखिए वो बीजेपी में डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम पार्टी बनाएंगे नहीं, तो शिवसेना के ही बदौलत वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, तो इसलिए इस मद्देनज़र उसके लिए ये फैसला बहुत अहम रखता है। वहीं अगर आप शिवसेना का जिक्र करें उद्धव ठाकरे के लिए, तो उनकी हाथ से कुर्सी तो चली गई है, और अगर शिवसेना पार्टी भी चली जाती है तो फिर बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे, तो इनके मद्देनज़र भी बहुत अहम फैसला जो है बहुत ज़रूरी है, तो देखना होगा कि आखिर कोर्ट का फैसला आता क्या है। आसिफ, मेरा अगला सवाल है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तमाम कार्रवाई हुई, और अभी पिछली जो कार्रवाई हुई थी वो 23 अगस्त को हुई थी और आज हुई है, और अब ऐसे में अगली जो सुनवाई होनी है वो होनी है 27 सितंबर को, तो ऐसी तमाम कार्रवाई हो रही है, तमाम सुनवाई हो रही, आपको क्या लगता है कि क्या अड़चनें सामने आ रही हैं? नहीं देखिए, कोर्ट में इसी तरह की दलील ही आती हैं, कभी दलील एकनाथ शिंदे के वकील करते हैं, कभी शिवसेना के वकील करते हैं, तो दरअसल कोर्ट में मामला ऐसे ही टलता ही रहता है, कभी एक भी कभी सेकेंड भी, तो इस पर सवाल करना कोई इतना बड़ा मैटर नहीं रखता, क्योंकि आज देश में कितने जजों की कमी या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, कितने लंबे वक्त से जो है मामले भरे पड़े हैं, सुनवाई नहीं होती, एक अलग मसला है, तो खैर उस पर होगा। हाँ, टलने से ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जान हलक में अटका हुआ है उद्धव ठाकरे साहब का, एकनाथ शिंदे का, क्योंकि बीएमसी के चुनाव भी होने हैं और उसके आगे आगामी चुनाव विधानसभा के भी हैं, लोकसभा के चुनाव है, तो दोनों के लिए परेशानियां हैं, तो देखना होगा फैसला आता कब है, अब इस पे दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। आसिफ ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी, और देखिए शिवसेना को लेकर तमाम जो दोनों गुट है उनकी तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो ऐसे में अगर हम बीते दिन की बात करें तो महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, और उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे साथ असली शिवसेना, यानी कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने असली शिवसेना कहा, तो उनके इस बयान पर हम आमिर से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आमिर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा अभी मुंबई का पूरा आपने एक सीक्वेंस देखा होगा शुरुआत से लेके अभी तक, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट की वजह से कुछ पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि मुंबई में शिवसेना है तो उद्धव ठाकरे हैं, और शिवसेना है तो उद्धव ठाकरे ही हैं, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के वो पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है हक शिवसेना का उनका ही बनता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो
सुप्रीम कोर्ट में जो मामला टलता जा रहा है, मुझे आने वाले वक्त का, मैं अपना खुद का एक प्रिय इजिप्शियन बता रहा हूँ आपको, कि हक में फैसला शायद एकनाथ शिंदे के जाए, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी चाह रही है ना, आने वाले इलेक्शन में अगर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का हक अपने नहीं लिया तो उनकी सरकार भी चली जाएगी। ये तो आप पक्का लिख के रख लो, उनकी सरकार भी चली जाएगी। तो जहाँ तक सवाल है उद्धव ठाकरे का, तो सरकार तो उनकी चली गई, अगर पार्टी भी चली जाएगी तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। फिर एक नई पार्टी बनाएंगे, क्या अपना पार्टी का सिंबल रखेंगे, और फिर से एक नई पार्टी को चलाना, उसको बनाना, उसका नाम बनाना, काफ़ी वक्त लग जाता है उसमें, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए ये आने वाले वक्त में काफ़ी बुरा साबित होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो कोर्ट में टाला जा रहा है या वक्त मतलब लिया जा रहा है, तो कोर्ट को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हाँ पार्टी पे हक किसका है और पार्टी किसकी है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे खुद का अपना एक तजुर्बा है, मैंने अपने देखा है, जो सारी चीज़ें देखता चला आ रहा हूँ, तो ये मुझे आने वाले वक्त में भी वही लग रहा है कि ये शायद उद्धव ठाकरे के हाथ से जैसे सरकार निकली है वैसे उनकी पार्टी भी निकल जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया है असली शिवसेना को लेकर, आपको क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव पर उस बयान का कितना असर पड़ेगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि मुंबई मराठी जो है, मराठी मानुष वहाँ मुंबई के लोग हैं, उन पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट चलती है, केजरीवाल हैं, वैसे वहाँ पे उद्धव ठाकरे हैं। तो एक जो होता है ना कि स्टेट की एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार की अपनी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब मुझे आने वाले वक्त में नहीं लगता है कि बीएमसी चुनाव का कुछ असर पड़ेगा। थोड़ा 19-20 हो सकता है कि कुछ एकनाथ शिंदे का पल्ला भारी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इसीलिए अमित शाह जी और भी जो केंद्र में सरकार हैं, मंत्री हैं, वो मुंबई का दौरा कर रहे हैं बीएमसी चुनाव के लिए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये दावा किया गया है और खुद अमित शाह की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम 150 से भी ज़्यादा सीटें बीएमसी चुनाव में जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में बीएमसी चुनाव के नतीजे आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी और जो एकनाथ शिंदे का गुट का गठबंधन है उनके पक्ष में? अमित शाह जी ने 150 का लक्ष्य रखा है, तो वो अचीव करना चाहते हैं। तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि शायद वो कर पाएंगे, क्योंकि जो मुंबई की राजनीति है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे नहीं लगता है ना कि उद्धव ठाकरे के ऊपर इन सब चीज़ों का कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी अपना ताकत लगा दिया है, आदित्य ठाकरे ने भी अपना ताकत लगा दिया है, और प्लस एमएनसी के बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे अकेले, उनके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जुड़े हैं, उनकी भी ताकत है उनके साथ, और मुंबई में उनकी एक अपनी पहचान है, एक अपनी अलग ताकत है। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद अमित शाह के कहने से वो 150 सीटें या फिर उससे ज़्यादा सीटें वो ला सकते हैं। तो देखिए, ये तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बीएमसी के चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आते, क्या एकनाथ शिंदे के पक्ष में आएंगे या फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष में आएंगे। देखिए, महाराष्ट्र में लगातार तमाम ऐसे मुद्दे जो गर्माते जा रहे हैं, दशहरा रैली की अगर हम बात करें, बीएमसी चुनाव की अगर हम बात करें, शिवसेना की अगर हम बात करें, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सियासत अभी गर्माई हुई है। तो अभी मेरे साथ साक्षी बनी हुई है। साक्षी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि शिवसेना पर किसके हक में फैसला आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा वो शिवसेना किसको मिलेगी? देखिए, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ही जानते हैं कि उन्होंने किसके हित में ये फैसला लिया है, लेकिन हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये फैसला किसके हित में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना लगातार, अगर हम इसका पलड़ा भारी लग रहा है, आप पलड़ा तो एकनाथ शिंदे का ही भारी है, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ से साबित नहीं हो सकता ना कि आपके जो पूर्वज थे या आप किस पीढ़ी से शिवसेना ही चलती आ रही है और आप उनके बेटे, तो शिवसेना आपकी ही होगी। तो ये वो वाला सिस्टम तो रहा नहीं, महाराजा राजा वाला सिस्टम तो रहा नहीं। अब आप उसमें काम कैसा करते हैं, आपकी जब शिवसेना थी आपने तब कैसा काम किया, तो तब आप डिज़र्व करते थे कि वो शिवसेना आपकी है, लेकिन वो काम नहीं दिखा आपके ही सांसदों को, आपके ही विधायकों को नहीं दिखा, तभी वो एकनाथ शिंदे के पास गए और वहाँ असली शिवसेना जो है उन्होंने वहाँ पर उसका जिस तरह से स्टार्टअप किया है। तो एक तरीके से पलड़ा जो भारी दिख रहा है वो एकनाथ शिंदे का दिख रहा है। देखिए, शिवसेना मतलब बाला साहिब ठाकरे, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जब अपने बयान देते हैं तो बाला साहिब ठाकरे का नाम लेते हैं, तो उद्धव ठाकरे की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब क्या योगी युग खत्म हो गया जो बाला साहिब ठाकरे का नाम लिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहें? आप ये देखिए कि ये तो बल्कि काफ़ी लोगों का कहना है कि हाँ, जो बाबा बाला साहिब ने जो शुरुआत
की थी वो उद्धव ठाकरे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये भी देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे हमेशा उनका नाम लेते हुए नजर आए, उनके नाम पर ही काम करते हुए नजर आए। हालांकि संजय राउत की तरफ से या उद्धव ठाकरे की तरफ से रोकने की कोशिश की गई कि आप उनका नाम ना ले या आप शिवसेना के नाम से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एकनाथ शिंदे खुद उनके नाम को जगाए रखना चाहते हैं, उनके नाम से काम रखना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि एकनाथ शिंदे कर रहे हैं काम जो कि लोगों को पसंद आ रहा है, उनके नाम से उनके नाम को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका नाम कहीं नहीं है, उनके नाम को उठाया जा रहा है, पर ये देखिए कि उस चीज़ को फॉलो कौन कर रहा है। तो देखिए शिवसेना मतलब हिंदुत्व, और आपको हम बता देते हैं एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत शायद इसी मुद्दे को लेकर की थी। उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि उद्धव ठाकरे के साथ हिंदुत्व को खत्म किया जा रहा है क्योंकि वो एनसीपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। तो ऐसे में तमाम मुद्दे जो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी फिलहाल के लिए गरमाए हुए हैं, लेकिन 27 सितंबर को देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, वो एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में आएगा या फिर एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में आएगा। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज के लिए धन्यवाद।